नमस्कार दोस्तों, आज 18 अगस्त है और आज द हिंदू का विश्लेषण करेंगे। उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं। और यदि आप नए हैं चैनल पे और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए डेली, है ना। और शेयर भी कर लें यदि आपको अच्छा लगता है, यदि ये डिस्कशन आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है तो शेयर कर लें, ठीक है। तो जो कहानी है वो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति होता है और उसे सफलता पाने की चाह होती है, उसे सफलता मिलती नहीं है। वो कोशिश तो करता है पर सफलता नहीं मिलती। तो किसी व्यक्ति से मिलता है और कहता है कि यार ऐसे ऐसे जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि मुझे ये काम कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक गुरुजी को जानता हूँ या एक सिद्ध महात्मा को जानता हूँ, उसके पास जाओगे तो निश्चित ही वो कोई ऐसा मंत्र देंगे कि तुम सफल हो जाओगे। तो वह कहता है कि भाई ऐसी बात है तो फिर बताओ पता। तो बता देता है और कहता है कि जाओ वहाँ मिल लो। तो वो जाता है तो कहता है गुरुजी मुझे मैं बहुत आशा से आया हूँ, ऐसी ऐसी बात है और मैं सफल होना चाहता हूँ पर सफल हो नहीं पाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है कल शाम को आना। वो अगले शाम को पहुंचता है। फिर कहते हैं गुरुजी कल शाम को आना, कुछ भी नहीं कहते हैं वो, फिर कह देते हैं कि अगले शाम को आना। तो फिर अगले शाम को आता है, फिर आता है तो फिर कहते हैं अगले शाम को आना। तो इस तरीके से कहते कहते महीना गुजर जाता है। अब जब कहा था उसके दोस्त ने कि भाई वो थोड़े टेढ़े हैं, थोड़े अलग किस्म के हैं, लेकिन वो यदि तुम पे मतलब कृपा कर दिए तो तुम्हारी सफलता तय है, तो अब उसके कारण वो बात मानते रहता है। एक महीना जब गुजर जाता है तो कहता है गुरुजी आप कुछ बताते नहीं हैं, आप सिर्फ कहते हैं कि कल आना कल आना, मैं रोज़ आता हूँ फिर वही बात दोहरा देते हैं कि कल आना। तो बोला नहीं कल सुबह आना तुम, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना। अब ब्रह्म मुहूर्त में भाई सफलता पाने के लिए क्या ना करे आदमी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। और अभी तो हम अलार्म लगा के उठते हैं, उस समय तो रात भर सोया नहीं होगा, उठ गया पहुंच गया कुटिया में। तो गुरुजी बोले चलो नहाने, हम अभी स्नान करने जा रहे हैं तो तुम भी चलो। गया गुरुजी ने, छोटा पोखरा था या नदी थी किनारे में, ले गए उसे और उसकी मुंडी पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। वो छटपटाने लगा, बहुत छटपटाया, बहुत जब छटपटाने लगा लगा गुरुजी को कि अब मर जाएगा, निकाल लिया, फिर डाल दिया, फिर छटपटाने लगा, फिर छटपटाते छटपटाते लगा गुरुजी को मर जाएगा। तो ऐसा उन्होंने 4-5 बार किया और कहा सफलता ऐसे ही मिलती है। यदि इसका भावार्थ समझ गए हैं तो आप भी जुट जाएं, है ना। तो जब तक आप छटपटाएंगे नहीं सफलता के लिए, जब तक आप उस हद तक प्रयास नहीं करेंगे जो अंतिम हो, आप प्रयास करते हैं पर क्या वो प्रयास अंतिम हद तक है या अंतिम स्तर तक है? यदि नहीं है तो आप यह सवाल कीजिए, या आपका उत्तर आपको ही मिलेगा या खुद से मिलेगा कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलते हैं अब हिंदू में। कहानी जरूर बताएं कैसा लगा। सबसे पहले है एमएचए ओवर रूल्स मिनिस्टर ट्वीट्स ऑन प्रोवाइडिंग फ्लैट टू रोहिंग्या। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, दोनों के बात में एक विवाद है। तो एक तो पहले आप रोहिंग्या देखेंगे कि रोहिंग्या क्या है, दूसरा ये देखेंगे कि विवाद क्यों हुआ, तीसरा इसमें यह देखना है कि आंतरिक स्तर पे भी दुविधा की स्थिति हो जाती है। भारत म्यांमार संबंध भी देख सकते हैं।
जो प्रवासी हैं उनके लिए कौन से अधिकार उपलब्ध हैं, प्रवासी के लिए अधिकार क्या हैं, क्या उनको फंडामेंटल राइट कुछ मिलते हैं, ये भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है वो इनके लिए क्या बनाया गया है, या जो शरणार्थी हैं, प्रवासी अब छोड़ देते हैं, शरणार्थी हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कानून बनाया गया, उसको देख सकते हैं, तब ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला टॉपिक था। अब अगला जो टॉपिक है वो है द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द फोर्थ ताइवान क्राइसिस, है ना। तो इसके पहले तीन कौन से क्राइसिस आए थे उसके बारे में जानना है। उसके बाद इस जियोपॉलिटिकल जो तमाशा चल रहा है ना, उससे पूरे विश्व में किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आपको जानना है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ये आपको जानना है। साथ ही साथ ये भी जानना है कि भारत के लिए, है ना, यदि इस प्रकार का विवाद होता है या युद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है तो भारत के लिए किस प्रकार का स्टैंड लेना सही रहेगा, है ना, तो ये यहाँ पे जानना है। ठीक है, उसके बाद है द मैरीटाइम पार्टनरशिप इज स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। मैरीटाइम पार्टनरशिप किसके किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में क्या मैरीटाइम पार्टनरशिप है इसके बारे में यहाँ बात की गई है, तो आप इसे क्लियर कर दीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय आईआर का मामला है। उसके बाद जो है द सेंटर वर्सेस स्टेट, है ना, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस परीक्षा, आईएएस बोला जाता है पर एक पद है, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी, क्या आईएएस के अलावा आईपीएस मिल गया तो आप छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही बोलते हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं पर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि ये कॉमन वर्ड हो गया है इसके कारण से हम कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की में जो पद है आईएएस, उस पद के लिए केंद्र और राज्य के बीच में, है ना, किस प्रकार की खींचतान चलती है ये आप देखेंगे। राजनीतिक तबकों में, राजनीतिक यदि मनसा को छोड़ दिया जाए तो यह एक ऐसा पद है जो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण, है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार का टसल है इसी के बारे में इसमें दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है डाटा अपॉर्चुनिटी एट द G20, है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ डाटा इज रैपिडली इवॉल्विंग एज लीडिंग एंड इमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमीज लाइक यूरोपियन यूनियन, द यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट, मोनेटाइज एंड लेवरेज डाटा कलेक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, डाटा कलेक्शन हो रहा है, इसमें कई तरीके की चीजें हो रही हैं। एक तो उसको सुरक्षित कैसे रखें, इसको मोनेटाइज कैसे करें, है ना, इसका फायदा कैसे उठाएं, इसके बारे में बात हो रही है। आज जानते हैं कि सूचना क्रांति का दौर चल रहा है, ठीक है, सूचना क्रांति का दौर चल रहा है और आज डेटा ही एक तरीके का मतलब एक वस्तु बन गया है, इसे सेल करने की बात होती है, एक कॉमोडिटी बन गया है, इसे सेल करने की बात होती है ना। तो डेटा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से ऐसी बिक्री की जाए जिससे इसका गलत उपयोग ना हो, इस तरीके की बातें मतलब इसमें की गई है और इस किसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है डेटा पॉइंट, है ना, कुछ चीज़ों पे, इन ड्रिंकिंग वाटर पे है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ पे है, पक्का घर है ना, अनक्लीन फ्यूल है, इसके बारे में कंपैरिजन दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द काउजिंग आर्कटिक वार्मिंग, है ना, आर्कटिक वार्मिंग के कारण क्या क्या है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, आप जानते ही हो,
और भी कई कारण हैं, उनके कारण ये जो चीज़ें दी गई हैं इसे आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन भी है, ठीक है, 1900 से लेके आज 2020 तक, तो ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद जो है दिल्ली पीएम 2 पॉइंट लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड है ना, जो दिल्ली का जो पीएम 2 पॉइंट लेवल है वो पूरे विश्व में सबसे ख़राब है, पार्टिकुलेट मैटर एमिशन जो है वो पूरे विश्व में सबसे ख़राब है, वर्स्ट इन द वर्ल्ड सबसे ख़राब एमिशन है। और इसके कारण से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी दिक्कतें, एक तरीके से पॉल्यूशन से डेथ, पॉल्यूशन से डेथ जो हो रहा है वो उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसके कारण कई डिजीज भी हो रहे हैं, कई डिजीज होंगे जिसका अनुमान हम पहले लगा ही नहीं सकते, कई ऐसे रोग हो जाएंगे जिनका अनुमान हम पहले लगा ही नहीं सकते या देखा ही नहीं है, पॉल्यूशन के रोग हो जाएंगे। और इसका इसका क्या उपाय बचता है या इसका परिणाम क्या होता है, मृत्यु है ना, तो इसके बारे में पूरा पूरी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है सेक्टर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस ना, अब जो केंद्र है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस पर फोकस कर रहा है, तो क्यों राइस का उत्पादन बढ़ाना है। और उसके बाद है मेज ग्राम पल्सेस रेपसीड एंड सुगर कैन कुड ऑल्सो विटनेस हाई एल्ड से एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मतलब इनके साथ साथ ये भी इनको भी बढ़ाया जाएगा है ना। अब ये समझिए कि राइस पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो है ये एक लेवल पे ठीक ठाक है, और अभी चावल और बाकी ये जो चीज़ें हैं मेज ग्राम पल्स रेपसीड्स है ना शुगर कैन, वो थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसके कारण से। और बाकी आप यहाँ से चीज़ें पढ़ लें। इसके बाद जो है यूके इन्फ्लेशन रेट टू 10.1% ए 20-ईयर हाई है ना। अब ये न्यूज़ क्यों दिया, ब्रिटेन में आया है महंगाई तो हम क्या करें, यूनाइटेड किंगडम में महंगाई आई है या ग्रेट ब्रिटेन में आई तो हमको क्या करना है ना, आई है तो आई है, लेकिन यहाँ यदि महंगाई आती है तो क्या होता है, यहाँ से भारत का जो व्यापार है उस पर असर पड़ेगा, निर्यात बढ़ सकता है हमारा, निर्यात हम बढ़ा सकते हैं या आयात ज़्यादा कर सकते हैं, ये हो जाता है। यदि महंगाई बढ़ती है वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि पौंड का मूल्य कम होगा, पौंड का मूल्य कम होने का मतलब है उनका निर्यात बढ़ेगा, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये भी समझिए कि 20 साल के उछले स्तर पे पहुंच गया, इसके कारण क्या है, रसिया यूक्रेन चीन ताइवान तनाव कोविड-19 तेल की ऊंची कीमतें, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लिखा भी हो गया, शायद नहीं लिखा है, तो ये जो है बढ़ गया है काफ़ी, इससे भारत के उस पे क्षेत्र पे क्या असर पड़ेगा ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद है क्रेडिट गारंटी प्लान एक्सपेंड टू एड हॉस्पिटलिटी रिलेटेड सेक्टर्स है ना, क्रेडिट गारंटी क्या होती है, लोन कवर ऑफ 50,000 करोड़ फॉर सस्टेंस रिकवरी ऑफ फार्म्स डेंटेड बाय द कोविड-19 है ना। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड एन एनहेंसमेंट ऑफ 50,000 करोड़ इन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम है ना, गारंटी स्कीम राइज टू 5 लाख करोड़ विद द एडिशनल अमाउंट टू बी डिप्लॉयड एंटरप्राइजेस द हॉस्पिटलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर दैट वेयर हिट हार्ड कोविड-19 पेंडेमिक है ना, जो भी लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए हैं उनको एक क्रेडिट लाइन दिया जाएगा। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है उतने तक उधार देना या उतना उधार देने की सीमा एक तय कर देना, उससे क्या होगा कि फिर हम रिवाइव कर पाएंगे या फिर से रिवाइवल होगा और फिर से हम उठ पाएंगे, तो इसके लिए ये बातें की गई। जैसे मैंने कह दिया कि आप यदि डूब रहे हो, चलिए आपका डूब गया है सब कुछ, तो मैं आपको 5 लाख रुपये तक लोन दे सकता हूँ
ठीक है, आपका व्यापार था 10 लाख का मान लीजिए और वो डूब गया, मैंने कहा कि 5 लाख तक उधार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब चुकाना होगा तो हम कुछ शर्तें तय कर लेंगे, लेकिन वो बहुत शर्तें आसान होंगी और आप इसको ले लीजिए। तो क्या करेंगे आप, ले लेंगे, उससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को फिर से रफ्तार दे पाएंगे या फिर थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा तो ऊपर उठा ही पाएंगे। तो इसी प्रकार से क्रेडिट लाइन दे रही है, ठीक है। तो ये समझना था आज आपको, और आज के लिए बस इतना ही।